हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉलीडे फूड्स। आज हम एक बहुत ही टेस्टी चॉकलेट केक बनाने वाले हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 2 बड़ा चम्मच गर्म पानी लिया है और इसमें हम 2 छोटा चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब हम एक कांच का बर्तन लेंगे और इसमें हम 1/4 कप तेल डालेंगे, 1 कप पिसी हुई चीनी, 1/2 कप दही, दही फ्रेश होनी चाहिए, 1/2 कप दूध, 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस और जो हमने कॉफ़ी का मिक्सचर तैयार करके रखा था उसे भी इसमें डाल देंगे और इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए, इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके ऊपर एक स्ट्रेनर रखेंगे, 1 कप मैदा लेंगे, 1/4 कप कोको पाउडर, 2 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पिंच नमक, और इन सबको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने से केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार होता है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करके हमें एक लम्स फ्री बैटर तैयार करना है। देखिए, बैटर तैयार है। देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे हमने 7 इंच का एक केक टिन लिया है जिसमें हमने इको बेक लगा लिया है। अब हम बैटर को केक टिन में डाल देंगे, उसके बाद हम केक टिन को इस तरह से टेप कर देंगे। यहाँ पर हमने पतीले को हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए गर्म कर लिया है। अब हम इसमें सावधानी पूर्वक केक टिन को रखेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर 45 से 50 मिनट के लिए बेक होने के लिए रखेंगे। 50 मिनट हो चुके हैं, हम इसे खोल कर चेक करेंगे। हम इसके सेंटर में एक टूथपिक डालकर चेक करेंगे। देखिए, टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ रहा है, इसका मतलब केक अच्छी तरह से बेक हुआ है। अगर बैटर चिपके तो आप इसे 5 मिनट के लिए और बेक होने दीजिएगा। अब हम इसे बिना ढके इसी में ठंडा होने के लिए रखेंगे। हमने एक चिल्ड कांच का बर्तन लिया है, इसमें हम 1.5 कप व्हीपिंग क्रीम डालेंगे और इसे हम बीट करेंगे। शुरू में हम इसे लो स्पीड पर बीट करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ाते जाएंगे और तब तक बीट करेंगे जब तक इसमें स्टीप पिक्स ना बनने लगे। देखिए, इस तरह का स्टीप पिक्स बनना चाहिए। क्रीम बन के तैयार है। देखिए, केक भी ठंडा हो गया है। अब हम केक को डिमोल्ड कर लेंगे। 1-2 बार इस तरह से टेप करेंगे और डिमोल्ड कर लेंगे। अब हम बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। देखिए, केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार हुआ है। हम केक को 3 लेयर में काट लेंगे। पहले हम टॉप लेयर को काटेंगे, उसके बाद हम केक को 3 लेयर में काट लेंगे। देखिए कितना जालीदार केक बन के तैयार हुआ है। आप केक को धागे से भी काट सकते हैं, धागे से भी केक बहुत अच्छी तरह से कट जाता है। देखिए, हमने केक को 3 लेयर में काट लिया है। अब हम केक बोर्ड में थोड़ा सा क्रीम लगाएंगे। इसमें हम पहली लेयर रखेंगे। अब हम केक में शुगर सिरप लगा लेंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए हमने 3/4 कप पानी लिया है और 2 बड़ा चम्मच चीनी और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम केक में क्रीम की लेयर लगाएंगे और इसे हम स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसमें चॉकलेट चिप्स डालेंगे, इससे बहुत ही टेस्टी लगता है केक खाने में। 2nd लेयर रखेंगे और शुगर सिरप लगा लेंगे। सेम प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। आप एक बार इस चॉकलेट केक को अपने घर में बनाकर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा केक आपको खाने में। आपको यकीन नहीं होगा कि आपने केक को घर में बनाया है, जैसे लगेगा कि आपने इसे बेकरी से ख़रीद कर लाया हो। अब हम इसमें टॉप लेयर रखेंगे और इसे भी अच्छी तरह से शुगर सिरप लगा लेंगे। साइड में आपको अच्छी तरह से शुगर सिरप लगाना है। अब पूरे केक को हम क्रीम से कवर कर देंगे। साइड में भी हम क्रीम से पूरा कवर कर देंगे। उसके बाद हम प्लेट नाइफ से स्प्रेड कर देंगे। आप नाइफ से भी इसे स्प्रेड कर सकते हैं। स्क्रेपर से हम साइड को इस तरह से स्प्रेड करेंगे। अब हम एक जिगजिग वाला स्क्रेपर लेंगे और साइड में इस तरह से हम डिज़ाइन बना देंगे। टॉप लेयर को हम इस तरह से प्लेट नाइफ से क्लीन करते जाएंगे। हर बार इसको साफ़ करना है और इस तरह बाहर से अंदर की तरफ खींचना है। केक
केक बोर्ड में जो क्रीम लगा है उसे भी हम साफ़ कर लेंगे और केक को हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। एक तवा लेंगे और इसमें 100 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट डालेंगे, 1/4 कप व्हिपिंग क्रीम, आप अमूल फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी, और इसे हम लो फ्लेम पर मेल्ट करेंगे। हमें चॉकलेट गनास बनाना है और इसे लगातार चलाते हुए मेल्ट करना है। आप इसे डबल बॉयलर से भी मेल्ट कर सकते हैं। देखिए चॉकलेट गनास बन के तैयार है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और ठंडा होने के बाद इसे छान लेंगे। देखिए इसे हमने छान लिया है। अब हम केक के सेंटर में चॉकलेट गनास को डालेंगे और थोड़ा सा हम केक बोर्ड को हिला भी देंगे जिससे गनास पूरे केक को अच्छी तरह से कवर कर लेगा। एक्स्ट्रा गनास को हम साफ़ कर देंगे और थोड़े से व्हिपिंग क्रीम से हम इस तरह से लाइनिंग बनाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बन के तैयार होता है। दूसरे साइड से भी हम 3 लाइन बना लेंगे व्हिपिंग क्रीम से इस तरह से। अब हम रोज नेल लेंगे और इसमें थोड़ा सा क्रीम डालेंगे और रोज नोजल से हम इस तरह से रोज बनाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल सा रोज बन के तैयार होता है। जो मोटा वाला है उसे ऊपर की तरफ रखना है और जो पतला वाला है उसे नीचे की तरफ रखना है। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा रोज बन के तैयार हो रहा है। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा रोज बना है। अब हम इसमें पाउडर जो कलर आता है उसे स्प्रेड कर देंगे। हम इसी तरह से 3 रोज बना लेंगे और जब हम इसमें इसे केक में रखेंगे तो थोड़ा सा क्रीम केक में डाल देंगे। उसके बाद उसके ऊपर हम इस तरह से रोज को रखेंगे। हम बॉर्डर बनाने के लिए स्टार नोजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा बॉर्डर बन के तैयार हो रहा है। देखिए हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा और टेस्टी चॉकलेट केक बन के तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।